हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार, एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर आईपीटी एक्सेल स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गूगल सीट की वीडियो कोर्सेज के ऊपर। हमने पिछले वीडियोज में बात किए थे आपके साथ मैथमेटिकल फॉर्मूले की, और आज हम बात करेंगे डेटाबेस समराइजेशन फॉर्मूले के ऊपर। तो वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो प्लीज चैनल पे बने रहे और अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो मैंने गूगल ड्राइव में जाके एक एक्सेल फाइल खोली हुई है जो आपके सामने दिख रहा है। अब मुझे इसमें क्या करना है, डेटा समराइजेशन। जैसे मेरे पास आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे नेम है, मुझे हर नाम की क्वांटिटी का टोटल चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा यूनिक का फॉर्मूला लगाया। अब यूनिक का फॉर्मूला ने क्या किया, मुझे इस लिस्ट में से सारे यूनिक लिस्ट दे दिए कि कौन कौन बंदा इसमें है। सिंपल सा यूनिक का फॉर्मूला लगाया। अब मुझे इसके आगे इसकी क्वांटिटी का टोटल चाहिए। देखिए, हमारे एक्सेल में या गूगल सीट में एक फॉर्मूला है सम का, तो सम फॉर्मूला ओवरऑल कॉलम या जो भी सिलेक्ट रेंज है उसका सम करता है। जी हाँ, ओवरऑल का सम करता है। लेकिन मुझे सम विथ कंडीशन चाहिए, कि मुझे सम तो चाहिए बट कविता का सम चाहिए। उस केस में हम लगाएंगे फॉर्मूला सम इफ का। जी हाँ, सम इफ, सम विथ कंडीशन। तो सम इफ में सबसे पहले हमें सिलेक्ट करना होता है रेंज, कि आपको अपना क्राइटेरिया किस रेंज में मैच करना है। तो हमें नेम में कविता को मैच करना है, और जो थर्ड आता है वो आता है कि आपको सम किसका करना है। तो हमने बोला क्वांटिटी का सम करना है। एंटर प्रेस किया, आप देख सकते हैं ऑटो, इस पे क्लिक करूंगा ऑटो फिल पे तो पूरा हो जाएगा। लेकिन फिलहाल मैं क्लिक नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ एक बार और सम इफ फॉर्मूला आपके सामने लगा रहा हूँ। सम इफ लिया, टैब प्रेस किया, हमने अपना कॉलम सेलेक्ट किया जहां पे नेम को मैच करना है, फिर नेम को सेलेक्ट किया, और फिर हमें जिसको सम करना है उसका सेलेक्ट करके जस्ट एंटर प्रेस किया, हमारा यहाँ पे आ गया डेटा। तो सम इफ फॉर्मूला हमने लगाया और अपने साथ जो है सम निकाल लिया। अब सम इफ के फॉर्मूले के बाद अगला ऑप्शन आता है कि मुझे सम तो करना है बट मेरे पास डिफरेंट क्राइटेरिया है। जैसे मैं क्वांटिटी जो है ग्रेटर देन 50 वाले का टोटल निकालना है। अब ऐसा इसलिए कि जो 50 से ऊपर जितना लोगों ने सेल किया है उनको हमें इंसेंटिव देना है, तो हमें देखना है कि ओवरऑल इंसेंटिव क्या कैलकुलेट हो रही है। सो आई जस्ट सम करना चाहते हैं ग्रेटर देन 50 पे। तो उसके लिए यहाँ हम सम इफ का फॉर्मूला लगाएंगे, और हमने सेलेक्ट कर लिया क्योंकि क्राइटेरिया इस बार यही है, क्वांटिटी ही है, तो मैं क्वांटिटी को सिलेक्ट करके एंटर मार दिया। अच्छा, आप यहाँ पर देखें, कुछ लोगों ने ध्यान दिया होगा, कुछ लोगों ने नहीं भी दिया होगा, कि मैंने यहाँ पे आपके सामने जो फर्म का फॉर्मर लगाया टीना के लिए, तो उसमें आपको देखिए कि इसमें जो है आपका तीन है, सम रेंज, क्राइटेरिया, मतलब कि क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया एंड सम रेंज। बट हमने यहाँ पे तो सिर्फ क्या किया है, सिर्फ हमने यहाँ पे किया है क्राइटेरिया रेंज एंड क्राइटेरिया। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सम इफ फॉर्मूले के अंदर में अगर रेंज और क्राइटेरिया रेंज और सम रेंज दोनों एक ही है तो दोनों देने की जरूरत नहीं है, आप एक से भी काम चला सकते हो। तो सो हमने यहाँ पे एक से काम चला लिया। अब प्रॉब्लम यहाँ पे है कि मैंने यहाँ पे 50 इस तरह से टाइप किया हुआ है, ऐसे बहुत सारे नंबर है, तो सब में ग्रेटर देन या लेस देन 60 नहीं लगाया जा सकता है। तो कोई बात नहीं, आप फॉर्मूले के अंदर लगा सकते हैं। हमने सम इफ का फॉर्मूला लिया, सम इफ, और सम इफ में हमने सिलेक्ट किया अपनी रेंज, और क्राइटेरिया में यहाँ इन्वर्टेड कॉमा में हमने दे दिया ग्रेटर देन का साइन और एन परसेंट कर दिया, और हमने सिलेक्ट कर लिया अपना 60। तो रिजल्ट आपके सामने आ गया। तो इसी तरह से आप ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू आप लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई कि मेरे पास कहीं पे पूजा है और कहीं पे पूजा सिंह है। अब प्रॉब्लम हुआ कि अगर मैं पूजा का निकालता हूं तो पूजा सिंह का नहीं आएगा,
तो कैसे होगा? तो यहां से पूजा सिंह है, मार्क कर देता हूं यहां पे। तो अगर मैंने यहां पे पूजा लिखा तो यहां हम अगर सम इफ करते हैं और क्राइटेरिया हमने ले लिया नेम, क्राइटेरिया हमने ले लिया नेम को और हमने ले लिया क्राइटेरिया पूजा और समरिंग ले लिया क्वांटिटी को, तो आपके सामने देखिए क्या है, 238 है। जबकि कैसे होगा फिर, तो पूजा का ये 238 ये आ रहा है पूजा है, पूजा सिंह का भी इसमें ऐड नहीं है। तो पूजा सिंह ऐड होगा कब, जब आप इसमें सिंगल दोनों तरफ जो है आप इसमें लगा देते हैं स्टार, मतलब किसको कंटेन्ड कर देते हैं। तो देखिए 313 आ गया। तो यहां पे ध्यान रखिएगा कि अगर आप पूजा लिखें और बाद में अगर कंटेन्ड देते हैं स्टार तो हो जाता है एंड स्टार्ट विथ पूजा, और फिर मैं स्टार लगाता हूं और फिर मैं यहाँ पे पूजा दे देता हूं तो हो जाता है एंड विथ पूजा। अब यहाँ पे एक चीज और भी है कि मान लीजिए कि यहाँ पे मेरे पास A9 है या A7 है, A7 मतलब मेरे पास कुछ कोड पड़े हुए हैं, तो मेरे पास जो है कुछ कोड पड़े हुए हैं, तो कैसे आएगा? जैसे A9 है, अब A9 की जगह पे कुछ भी हो सकता है, इस पे आपका A7 हो सकता है, A6 हो सकता है, A5 हो सकता है, लेकिन इतना पक्का पता है कि यहाँ जो होगा वो 2 डिजिट का होगा। तो मैं यहाँ पे 2 बार क्वेश्चन मार्क लिखा और यहाँ हम लगाते हैं फॉर्मूला सम इफ का, हम कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, क्राइटेरिया को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम सम लेंथ को सिलेक्ट करते हैं। तो 2 क्वेश्चन मार्क मैंने दे दिया, इसका मतलब है कि एनी 2 करेक्टर्स, 2 करेक्टर्स कम होना चाहिए यहाँ पे हमने डाला। तो सम इफ में आपने देखा कि हमने सम इफ में सारी चीजें की हैं। अब बात आती है मल्टीपल क्राइटेरिया कि मुझे यहाँ पे मान लीजिए पूजा का टोटल निकालना है लेकिन MB मदरबोर्ड जो है उसका निकालना है, मोर देन 1 क्राइटेरिया। तो मोर देन 1 क्राइटेरिया के लिए क्या करेंगे, हम लगाएंगे फॉर्मूला सम इफ्स, सम इफ्स का फॉर्मूला S लग जाता है, FS, सम इफ्स का फॉर्मूला यहाँ पे हम लगाते हैं सम इफ्स, जिसमें हम सबसे पहले तो सिलेक्ट करेंगे सम रेंज। यहाँ पे थोड़ा सा ये होता है चेंज होता है सम इफ के अकॉर्डिंग, कि पहले क्राइटेरिया आपको पहले सम रेंज की किस कॉलम का सम देना है, फिर क्राइटेरिया 1 रेंज, देन क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया 2 रेंज एंड क्राइटेरिया 2, ऐसे 3 4 5 करते चले जाइए और आपके सामने आपका रिजल्ट यहाँ आ जाएगा। और सम इफ के अंदर भी आपको ये जो क्वेश्चन मार्क है या ये कंटेन स्टार वाला ऑप्शन है या ग्रेटर देन लेस वाला ऑप्शन से अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप सम इफ्स लगा सकते हैं। और सम इफ्स की जैसा या सम इफ्स के जैसा ही एक फॉर्मूला होता है एवरेज का, एवरेज का फॉर्मूला। तो एवरेज के फॉर्मूले में जानते हैं, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि एवरेज का नॉर्मल फॉर्मूला होता है कि जैसे आपने एवरेज लिया तो सम ऑफ द वैल्यू डिवाइड बाई काउंट ऑफ द वैल्यू को इस करके आपका एक सिलेक्टेड एरिया का एवरेज निकाल लेगा। इसी तरह से एक होता है एवरेज ए, एवरेज ए क्या करता है, ये आपका सेम एवरेज की तरह वर्क करता है बट ट्रू एंड फॉल्स को भी कंसिडर करता है, ट्रू को 1 एंड फॉल्स को 0 करता है। तो ए आपका एवरेज ए होता है, एवरेज ऑल कहा जाता है, तो इससे फर्क होता है। लेकिन एवरेज विथ कंडीशन, मुझे कविता का एवरेज चाहिए या मान लीजिए टीटू का एवरेज चाहिए, तो एवरेज विथ कंडीशन, तो उसके लिए फॉर्मूला हम लगाते हैं एवरेज इफ का, कि एवरेज इफ सेम सम इफ की तरह वर्क होता है कि क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया एंड सम रेंज,
एंटर मारिए, रिजल्ट आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ अगर मान लीजिए कि आपके पास इसमें भी आपको ग्रेटर देन लेस देन इस तरह का ऑप्शंस है तो सम इफ लगा सकते हैं, स्टेट की भी लगा सकते हैं, और ये आपका क्वेश्चन साइन लगा सकते हैं। और मल्टीपल वैल्यू के लिए एवरेज, यहाँ पे एवरेज इप्स का यूज करेंगे, एवरेज इप्स IFS। और फिर हम यहाँ पे सेम समिफ की तरह पहले सेलेक्ट करेंगे एवरेज रेंज, देन क्राइटेरिया वन रेंज, क्राइटेरिया क्राइटेरिया टू रेंज, क्राइटेरिया टू, और आप यहाँ एंटर प्रेस कीजिए, आपके सामने आ जाएगा। ये जो फॉर्मूला थी हमारी सम इफ एंड एवरेज इफ की फॉर्मूला थी। अब अगली वीडियो में हम आपके साथ बात करेंगे कुछ और चीजों के बारे में, जैसे कि इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो फटाफट इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इसकी फाइल डाउनलोड करके, इसकी फाइल मैं अपलोड कर दे रहा हूँ, डाउनलोड कीजिए और इसको यूज कीजिए। थैंक यू।